कि इस बार अच्छी संख्या में और काफी ज्यादा वोट जो हैं पुष्कर सिंह धामी को मिले और यही कोशिश है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को टनकपुर भेजा गया, वहां पर पहुंचकर वो अब रोड शो कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में। किरत पटे के सवार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एक तरफ आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। पर इस बार उपचुनाव उत्तराखंड में देखिए चंपावत सीट से यहां पर खड़े हैं और इसके बाद वहां पर उनके पक्ष में रैली कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जो है उत्तराखंड में जोर शोर से जारी है। बीजेपी ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया था सीएम के तौर पर, हालांकि वो अपनी सीट से चुनाव हारे, लेकिन अब वो दोबारा चुनाव में जीतने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अधिक से अधिक पुष्कर सिंह धामी को वोट मिले इसी अपील करने के लिए यहाँ पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो उत्तराखंड में उपचुनाव में धामी एक बार फिर से जीत के लिए यहाँ पर दम भरते नजर आ रहे हैं और ऐसे में वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना इस बात की तरफ इशारा है कि वहां पर बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। उपचुनाव में भी यहां पर पुष्कर सिंह धामी को कम वोट मिले, इसको वो हल्के में ना लेते हुए उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े इसी की कोशिश में है। टनकपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में चुनावी सभा भी करेंगे। यहाँ पर चुनाव में देखिए पराजय झेली थी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने, उसके बाद से उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गए थे वो और मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी से चंपावत मैदान में उतारा है उनको और इस वक्त देखिए अब उनके रोड शो की तस्वीरें हमारे संवाददाता पंकज पवार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, रोड शो हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कितनी दूरी तक ये रोड शो चलेगा और कितनी देर तक हम देखेंगे इस रोड शो में वो मौजूद रहेंगे? देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज का ये रोड शो है और क्योंकि जल्द 31 तारीख को चुनाव होना है चंपावत में और उपचुनाव का और 3 तारीख को रिजल्ट आना है, ऐसे में अंतिम समय में क्योंकि चंपावत में बाबा गोरखनाथ का एक बहुत भव्य मंदिर है जिसको वहाँ के तमाम लोग जो हैं वो मानते भी हैं और उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का केवल चंपावत में आना ये दिखाता है कि उनका कितना प्रभाव वहाँ पर है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनाव की रणनीति है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले ही वो उत्तराखंड होके गए हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के उपचुनाव में उनका चुनाव प्रचार रोड शो में आना ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी थोड़ी लगभग 10 किलोमीटर तक उनका ये रोड शो चलेगा और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। पंकज जी, वहाँ पर अभी जनसभा का भी कार्यक्रम है, कितनी देर तक चलेगा वो कितनी देर में शुरू होगा? मतलब देखिए अब से थोड़ी देर बाद लगभग 1:30 बजे के लगभग ये वो कार्यक्रम है और जनसभा का कार्यक्रम, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं जो तमाम जनता है वो जुटने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि गोरखनाथ का वहाँ पे मंदिर है, एक धाम है वहाँ पर, तो उसको मानने वाले जो तमाम लोग हैं अपने जो योगी आदित्यनाथ क्योंकि इसके पीठाधीश्वर हैं तो उनको देखने के लिए भी लोगों की हुजूम वहाँ पर उमड़। अब से लगभग थोड़ी देर बाद जब यह रोड शो खत्म होगा तो उसके बाद एक जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए पंकज यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी भी कि जिस तरीके से अभी उन्होंने जल्दी सत्ता दोबारा संभाली है बहुत कम वक्त के लिए, वो चुनावों से पहले सीएम की कुर्सी पर बैठे थे लेकिन अभी उनके जो फैसले हैं वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है चंपावत में जहाँ से वो खड़े हो रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर माहौल बना हुआ है पुष्कर सिंह धामी के लिए? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अगर कहा जाए तो माहौल काफी अच्छा है और दूसरी बात यह है खुद मुख्यमंत्री भी पिछले काफी समय से लगभग 5 दिनों से चंपावत में ही डटे हुए हैं, तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार मंत्री वहां पर मौजूद हैं जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं, वो लगातार वहां जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, तो आप ये समझिए पूरी सरकार मुख्यमंत्री को जिताने के लिए वहां पे लगी है और अब योगी आदित्यनाथ का आना सोने पे सुहागा है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक अच्छी
अर्जुन जरूर मिलेगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रत्याशित किया है और जिस तरीके से उनके जो तमाम नेता हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा पुष्कर सिंह धामी को जरूर मिलेगा। ठीक है पंकज, देखिए पहले पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक रहे 12 से 17 के बीच में, लेकिन इस बार वो चुनाव वहां से हारे। अब चंपावत उन्होंने चुना है अपना विधानसभा क्षेत्र जहां से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो खटीमा और चंपावत इन दोनों जगह में अगर फर्क देखें तो कैसा दिखेगा वोटों में, क्योंकि इस बार नई जगह है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के लिए। पहले वो खटीमा से विधायक थे लेकिन वहां पर जनता ने इस बार उन्हें नकारा, अब चंपावत जब गए हैं तो वहां पर क्या अलग होगा, किस तरीके से वहां पर लोगों का रुझान हो सकता है? अब देखिए शिवानी जी, मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक लेवल पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि खटीमा से लगी हुई विधानसभा है चंपावत, लेकिन वहां पर जो इस बार चुनाव का जो मेन जो थोड़ा बदलाव नजर आएगा, क्योंकि उस समय चुनाव था, उस समय लोगों को भी लग रहा था कि हो सकता है कांग्रेस भी आ सकती है, तो इसलिए खटीमा में एक अलग अलग तरीके का रिजल्ट आया। लेकिन हारने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह है वो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया है उससे एक अलग मैसेज गया है कि भाई जिनके ऊपर केंद्रीय आला कमान का फेथ है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि चंपावत में वैसी स्थिति नहीं होगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से मुख्यमंत्री यहाँ पर एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतने जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी रिजल्ट क्या होगा। लेकिन फिर भी आपने जो कहा कि खटीमा और उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो मुझे लगता है कि डिफरेंस यही होगा कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर एक अच्छा खासा माहौल जरूर मिला है, और जिस तरीके की वोटिंग होती है तो 31 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के लिए ये जो चुनाव है ये काफी राहत देने वाला होगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पंकज, और देखिए एक बात और आपने जिक्र की कि यहाँ पर चंपावत में जहाँ पर इस बार लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, वहाँ पर उनके विपक्ष के तौर पर कोई इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है उस तरीके से, तो ये भी एक प्लस फैक्टर होगा। अगर कोई मजबूत दावेदार होता तो क्या पुष्कर सिंह धामी के लिए यहाँ पर भी चुनौती हो जाती? बिल्कुल आपने सही कहा, और असली बात यह है कि जो वहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े हिमेश खड़कवाल, उन्होंने चुनाव ही लड़ने से मना कर दिया, वहाँ पे फिर निर्मला थोड़ी जो पिछले 5 बार से टिकट मांग रही थी उनको टिकट नहीं दे रही थी पार्टी, अब ऐसे में उपचुनाव में उनको टिकट दे दिया गया, और उसके बावजूद जो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वहाँ पर प्रचार करते हुए बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी कांग्रेस का जो माहौल है वहाँ पर अभी बन नहीं पा रहा है। हालांकि अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट होता, कोई और चेहरा होता, हरीश रावत होती या फिर जो तमाम नेता हैं वो अगर वहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं शायद और मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा जाता है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। तो चंपावत से सीएम योगी आदित्यनाथ के आपको दिख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम आपको नजर आ रहे हैं, ये रोड शो की तस्वीरें, थोड़ी दूर तक रोड शो चलेगा। और देखिए अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ टनकपुर में है, वहां का दौरा उनका आज का है, रोड शो यहां पर हो रहा है, गांधी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहां पर, और रोड शो में उड़ा जन सैलाब यहां पर, पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में माहौल बनाता ये रोड शो दिख रहा है। और चंपावत में कहा जा रहा है कि इस बार एक प्लस फैक्टर ये भी है ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि यहां पर उनके सामने कोई मजबूत दावेदार नहीं है जिसकी वजह से वोटों का बंटवारा हो, और अभी फिलहाल जिस तरीके से वो सत्ता में आए हैं उनके जो फैसले एकाएक वो वहां पर जनता को प्रभावित कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार जो है जनताओं ने भरकर छोली भरकर प्यार दे सकती है, यानी कि वोटों के तौर पर यहां पर जनता का प्यार पुष्कर सिंह धामी को चंपावत में मिलेगा। और हालांकि खटीमा सीट से वो अभी विधायक रहे थे, 2012 से 2017 के बीच में खटीमा सीट से विधायक रहे, लेकिन जब चुनाव हुए तो उसमें इस बार वहां की जनता ने उन्हें उस तरीके से प्यार नहीं दिया जिस तरीके से पिछले 5 साल 12 से 17 के बीच में उनको मिला था। अभी फिलहाल वो दोबारा चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं, और इस दौरान उनके रोड शो की तस्वीरें हैं, चंपावत से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, और इसके बाद देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मा दिया गया उनके रोड शो का, उनके लिए प्रचार करने का, जिसे वो अभी निभाते नजर आ रहे नामांकन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखे थे, और उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर जनता का आभार जताते पुष्कर सिंह धामी, रथ में सवार सीएम योगी भी साथ में मौजूद है।